आज हम आपको झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में अवस्थित खरगडीहा को दिखा रहे हैं। खरगडीहा वर्तमान में एक छोटा सा गांव है। अभी हम खरगडीहा के परगोडीह से गुजर रहे हैं। परगोडीह में गौशाला है, जिसे खरगडीहा गौशाला के नाम से जाना जाता है। गौशाला परिसर में प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के बाद मेला लगता है, जिसे गौशाला मेला के नाम से जाना जाता है। परगोडीह से खरगडीहा की ओर जाते समय हमें दूर तक परती खेत दिखाई पड़ रहे हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां के खेत बरसात के मौसम को छोड़कर शेष समय में परती रह जाते हैं। पंद्रहवीं सदी में खरगडीहा महाराज द्वारा खरगडीहा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऐसा मालूम होता है कि खड़गडीह का अपभ्रंश रूप खरगडीहा है। खड़ग तलवार की तरह का एक शस्त्र है, जिसके दोनों ओर धार होते हैं। खड़गधारी का मतलब खड़ग धारण करने वाला व्यक्ति होता है। खड़ग धारण करने वाले महाराज को उनके नाम से नहीं पुकार कर खड़गधारी महाराज के नाम से पुकारा जाता था और उनके निवास स्थान को खड़गडीह के नाम से पुकारा जाता था। डीह का मतलब निवास स्थान होता है। किसी नाम के साथ यह शब्द जुड़ने पर सामूहिक निवास स्थान या गांव होता है। खरगडीहा में पुराने समय में बने हुए ज्यादातर घर खपरैल के हैं और कुछ घर पक्के हैं। पक्के घर सरखी मिट्टी और चूना के मिश्रण का उपयोग करके बनाए गए हैं। वर्तमान में खरगडीहा के आधे से अधिक मूल लोग रोजी रोटी की तलाश में अन्य शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। इसका अनुमान आप यहां के बंद पड़े घरों को देखकर लगा सकते हैं। खरगडीहा में खेती बाड़ी को छोड़कर रोजगार का अन्य कोई मुख्य साधन नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी भी मौसमी बारिश पर ही निर्भर है। अभी आप जिस भवन को देख रहे हैं, वह श्री लंगटा बाबा का समाधि स्थल है। यहां पर प्रत्येक वर्ष पौष माह के पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुगण चादर चढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।